अज मर भाई अमृतपाल सिंह उन्होंने जैदा श्री अकाल तख्त साहब की अपील से जो गिरफ्तारी दी एक शलाघाजोग गल है। मैं समझता ये श्री अकाल तख्त साहब की मान ते शान देश ते दुनिया में वधी आ। मैं सरकार को अपील करनी चाहना कि हुण निर्दोषे लोगों की फड़ोफड़ी बंद करे और अमृतपाल सिंह उन्होंने गिरफ्तारी ने जिहड़ी सरकार की बहानेबाजी थी निर्दोषे बच्चों बहाना बना के गिरफ्तार किया जाता सी, परिवारों नूं परेशान किया जाता सी, घर वालियां तक बच्चियां तक एयरपोर्ट तक जाके बाहर अपने पेकियां नूं मिलन तो भी जाण तो रोकण लई परेशानियां खड़ियां कीतियां जांदियां सी। अज इस गिरफ्तारी ने सरकार नूं उस राह ते तुरन तो ब्रेकां लाईआं ने और मैं समझदा कि सरकार नूं असीं इह वी अपील करने पंजाब नूं कि गृह मंत्री भारत सरकार दे बयान तो बाद मतलब हुण उहनां नूं कोई उहनां कोल बहाना नहीं है कि NSA लाया जाए, कोई बहाना नहीं है कि निर्दोषे लोगों की फड़ोफड़ी की जाए। गृह मंत्री जी जदों कहते हैं भी पंजाब कम्यूनल हारमनी आ, कोई माहौल बिल्कुल शांत आ, कोई वक्खवादी लहर नहीं, तो फिर उस बावजूद भी NSA लाना जां फड़ोफड़ी करनी गिरफ्तारियां करनिया डिब्रूगढ़ तक जेलों में आसाम जेलों में बच्चों को भेजना ये किसी तरह भी जायज़ नहीं है। तो पंजाब शांत आ, पंजाब भाईचारक सांझ आ और पंजाब के लोग गुरुआ के संदेश से मानस की जात सब एक पहचान होते चलन वाले ने, सरबत का भला मंगण वाले ने, तो बहानेबाजी करके राशि रोटियां सेकन मतलब पंजाबियों को सिख कौम को बदनाम करने का रास्ता जरा सरकार से अगे ये असं अज अपील कर रहे। पंजाबियों ने इस देश जो कुरबानियां कीतियां, पंजाबियों ने इस देश की आज़ादी लिया जो हिस्सा पाया, तो आज़ादी तो बाद आज़ादी की रक्षा लई भुखमरी दूर करने ली जो हिस्सा पाया, आ तीन दिन पहला इस गल का सबूत आ कि पांच जवान शहीद होए जम्मू कश्मीर के, पांचों में चार जिहड़े ने पंजाब की धरती के ने और एक दा पिता भी शहीद होया कारगिल की लड़ाई च, ते हुण केंद्र सरकार नूं ते पंजाबियों नूं जिहड़े बदनाम करते सी, जिहड़े सिख समाज का अक्स दुनिया में नीमा दिखाते सी, जिन्हां नूं हजम नहीं सी हो रही टौर पंजाबियों की, जिन्हां नूं हजम नहीं सी हो रही पंजाबियों का मान जो किसान संघर्ष जां करोना विच कटिया सी, अज उन्हां नूं शर्मसार होना पएगा जदों पांच शहीदां विचों चार शहीद जिहड़े पंजाब नाल संबंधित ने। सो इस करके असीं उन्हां महान शहीदां नूं प्रणाम भी करते हाँ, तो भारत सरकार से पंजाब की सरकार को अपील भी करते हैं जो पंजाबियों को सिखों को बदनाम करता उन्होंने अक्स बिगाड़न का राह जरा त्याग। अज अमर भाई अमृतपाल सिंह उन्होंने जैदा श्री अकाल तख्त साहब की अपील से जो गिरफ्तारी दी है वो एक शलाघाजोग गल है। मैं समझता ये श्री अकाल तख्त साहब की मान तो शान देश से दुनिया में वधी आ। मैं सरकार को अपील करनी चाहना कि हुण निर्दोषे लोगों की फड़ोफड़ी बंद करे और अमृतपाल सिंह उन्होंने गिरफ्तारी ने जिहड़ी सरकार की बहानेबाजी थी निर्दोषे बच्चों बहाना बना के गिरफ्तार किया जाता सी, परिवारों नूं परेशान किया जाता सी, घर वालियां तक बच्चियां तक एयरपोर्ट तक जाके बाहर अपने पेकियां नूं मिलन तो भी जाण तो रोकण लई परेशानियां खड़ियां कीतियां जांदियां सी। अज इस गिरफ्तारी ने सरकार नूं उस राह ते तुरन तो ब्रेकां लाईआं ने और मैं समझदा कि सरकार नूं असीं इह वी अपील करने पंजाब नूं कि गृह मंत्री भारत सरकार दे बयान तो बाद मतलब हुण उहनां नूं कोई उहनां कोल बहाना नहीं है कि NSA लाया जाए, कोई बहाना नहीं है कि निर्दोषे लोगों की फड़ोफड़ी की जाए। गृह मंत्री जी जदों कहते हैं भी पंजाब कम्यूनल हारमनी आ, कोई माहौल बिल्कुल शांत आ, कोई वक्खवादी लहर नहीं, तो फिर उस बावजूद भी NSA लाना जां फड़ोफड़ी करनी गिरफ्तारियां करनियां डिब्रूगढ़ तक जेलों में आसाम जेलों में बच्चों को भेजना ये किसी तरह भी जायज़ नहीं है। तो पंजाब शांत आ, पंजाब भाईचारक सांझ आ और पंजाब के लोग गुरुआ के संदेश से मानस की जात सब एक पहचान होते चलन वाले ने, सरबत का भला मंगण वाले ने, तो बहानेबाजी करके राशि रोटियां सेकन मतलब पंजाबियों को सिख कौम को बदनाम करने का रास्ता जरा सरकार से अगे ये असं अज अपील कर रहे। पंजाबियों ने इस देश जो कुरबानियां कीतियां, पंजाबियों ने इस देश की आज़ादी लिया जो हिस्सा पाया, तो आज़ादी तो बाद आज़ादी की रक्षा लई भुखमरी दूर करने ली जो हिस्सा पाया, आ तीन दिन पहला इस गल का सबूत आ कि पांच जवान शहीद होए जम्मू कश्मीर के, पांचों में चार जिहड़े ने पंजाब की धरती के ने और एक दा पिता भी शहीद होया कारगिल की लड़ाई च, तो हुण केंद्र सरकार नूं ते पंजाबियों नूं जिहड़े बदनाम करते सी, जिहड़े सिख समाज का अक्स दुनिया में नीमा दिखाते सी, जिन्हां नूं हजम नहीं सी हो रही टौर पंजाबियों की, जिन्हां नूं हजम नहीं सी हो रही पंजाबियों का मान जो किसान संघर्ष जां करोना विच कटिया सी,
ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗੀ।